बनाने वाले हैं बेसन के लड्डू, जो ना सिर्फ बहुत ज्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बनते हैं, बल्कि मुंह में रखते ही घुल भी जाते हैं। देखिए, लग रहे हैं ना आपको भी बहुत ज्यादा टेस्टी और सॉफ्ट। नमस्कार, आप सभी का कांता के चैनल टेस्ट ऑफ इंडियंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं बेसन के लड्डू, वो भी तगार के साथ, तगार यानी बूरा। तो सबसे पहले हम करेंगे तगार बनाने की तैयारी और उसके बाद हम बनाएंगे बहुत टेस्टी से बेसन के लड्डू। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं बेसन के लड्डू, वो भी नॉर्मल बेसन से, जिस बेसन से हम कढ़ी और पकौड़े बनाते हैं ना, सेम उसी से। जबकि बेसन के लड्डू बनाने के लिए एक स्पेशल तरीके का बेसन होता है, जो कि मोटा होता है और तरतरा भी होता है, लेकिन हर शॉप में वो इजीली नहीं मिल पाता। तो उस केस में हम इसी वाले बेसन से बहुत ज्यादा टेस्टी लड्डू बना करके तैयार करेंगे। बस हम यहाँ पर चीनी से तगार बनाएंगे और उसके बाद करेंगे आगे की तैयारी। तो हमने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम बेसन, 200 ग्राम चीनी, 2 चम्मच नारियल का बुरादा, 15 से 20 बादाम, और ये है 5 से 6 छोटी हरी इलायची का पाउडर, और ये है 150 ग्राम से 175 ग्राम देसी घी। तो चलिए सबसे पहले हम चीनी से बना लेते हैं तगार और फिर करते हैं आगे की तैयारी, यानी बेसन के लड्डू बनाने की। पैन को हमने रख लिया है मीडियम फ्लेम में और पैन में ऐड कर ली है चीनी। अब चीनी बनी लेती इस कटोरी से, इसमें 200 ग्राम चीनी आती है पूरी, और एक तिहाई हमने पानी लेना है। ध्यान रहे, पानी हम तीसरा हिस्सा ही रखेंगे बस, और मीडियम फ्लेम में हम इसे अच्छे से पकने देंगे। हाथ को हम हिलाते रहेंगे जब तक कि पूरी तरह से हमारी तगार रेडी नहीं हो जाती। और जब हमारी यहाँ पर चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी ना, बस हमें मेल्ट होने की वेट करनी है। उसके बाद उस स्टेज में, यानी कि हमें डालना है इसमें इलायची का पाउडर और एक चम्मच घी। तो चलिए चीनी को मेल्ट होने देते हैं। और अब यहाँ पर चीनी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, तो चलिए इसमें ऐड कर लेते हैं इलायची का पाउडर और देसी घी। हाँ, अगर आपके पास हरी इलायची नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन देसी घी जो मैं ऐड कर रही हूँ ना, वो जरूरी है। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल आपका है, एक चम्मच ऐड कर दीजिएगा। और अब हम इसे पकने देंगे जब तक कि इसमें पूरी तरह से झाग ना बन जाए। और अब आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा सा झाग बन चुका है, तो गैस को हमने बंद कर लिया है और अब हम इसे उतार लेंगे चूल्हे से, और स्पैचुला को बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। गैस बिल्कुल बंद है, आप देख सकते हैं, और हम इसे इसी तरीके से ठंडा करेंगे। देखिए, गैस है ना बंद, और जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी, वैसे वैसे तगार का रूप रखती जाएगी। तगार यानी बूरा, बूरे का दूसरा नाम ही तगार होता है। अगर हमें बूरा बाजार से ना मिले या फिर हमें जाने में आलस आ रहा है, तो चीनी तो हर वक्त हमारे घर में होती है ना, तो बहुत ही आसानी से हम घर में ही इससे बूरा बना सकते हैं, जिसे हम तगार भी कहते हैं, और बहुत अच्छे इससे टेस्टी लड्डू बनते हैं, क्योंकि होता है ना बूरा थोड़ा सा करारा। तो अब हो चुकी है हमारी यहाँ पर तगार तैयार। चलिए इसे छान लेते हैं। इससे क्या होगा कि जो मोटे मोटे क्रिस्टल्स होंगे वो अलग हो जाएंगे, तो हम चाहे तो उन्हें पीस करके दोबारा से यूज कर सकते हैं या फिर छान करके अलग भी कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ पर तगार हो चुकी है रेडी। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना, और खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो चलिए करते हैं आगे की तैयारी। हमने यहाँ पर कढ़ाई को रख दिया मीडियम फ्लेम में। थोड़ा सा इसमें हमने घी डाला है, सिर्फ इसलिए कि हम ये 15-20 बादाम जो है ये रोस्ट कर सके, हार्डली 2 से 3 मिनट। बस ये हो चुके हैं रोस्ट, तो चलिए इन्हें निकाल लेते हैं और छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। और ये सारा घी जो है हमने यहाँ पर रख दिया है, ये तकरीबन 150 ग्राम है, और 175 मैंने इसलिए बोला है कि आप इससे ऊपर ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मत लीजिएगा। तो 150 ग्राम इनफ है 250 ग्राम बेसन के लिए, और हमने इसमें ऐड कर लिया है बेसन जैसे ही हमारा घी हो गया मीडियम गरम। और अब हम इसे धीरे धीरे लो फ्लेम में भूनते जाएंगे बेसन को, जब तक कि इसमें जो रोस्टेड वाले चने होते हैं ना, जो हम बाहर से खाते हैं गुड़ चना, उसकी खुशबू नहीं आ जाती। हम बिल्कुल भी मीडियम फ्लेम में इसे नहीं पकाएंगे, हम सिर्फ लो में पकाएंगे। और जैसे हमें लगेगा कि अब हमें नीड है, कढ़ाई ठंडी हो गई है, तो लो से थोड़ा सा हम ऊपर कर देंगे आंच को, बस लो से थोड़ी सी ऊपर, मीडियम तक नहीं करेंगे, और धीमी धीमी आंच में पेशेंस रख के हम इस बेसन को अच्छे से भून लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि बेसन यहाँ पे कलर भी चेंज होता जा रहा है बेसन का, और घी भी देखो कितना, जिस तरीके से यहाँ पर आपको घी दिख रहा है ना, परफेक्ट इसी तरीके का रहना चाहिए। और मुझे आ रही है यहाँ पर अब सोंधी सोंधी खुशबू रोस्टेड चनों की। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा पानी कर लिया है स्प्रिंकल, क्योंकि ऑलमोस्ट ये भून चुका है, काफी देर से मैंने सिम पे इसको रखा हुआ था। तो बस इसे हम 2 से 3 मिनट और पकाएंगे, जैसे ही पानी सूख जाएगा ना, तो हम गैस को कर लेंगे बंद और इसे निकाल लेंगे एक बड़े बर्तन में।
पानी स्प्रिंकल करने का पर्पज हमारा ये होता है कि बेसन में दाने उड़ जाते हैं। तो चलिए गैस को कर लेते हैं बंद, क्योंकि 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और इसे निकाल लेते हैं। अब हमने यहाँ पर सारा का सारा बेसन निकाल लिया है एक बड़े बर्तन में, और हम इसे होने देंगे थोड़ा सा ठंडा, और इतना गर्म रखेंगे जितना हम हाथ में लड्डू बांध सकें, यानी सहन कर सकें। एकदम तेज गर्म नहीं कि हाथ जल जाए। तो अब मैं यहाँ पर सारी तगार मिला रही हूँ, थोड़ी सी तगार मैं बचा लूंगी, आप देख लीजिएगा टेस्ट करके कि आपको मीठा कितना पसंद है। और ये है नारियल का बुरादा, और ये है रोस्टेड बादाम जिन्हें हमने बारीक बारीक कट कर लिया है, और हम कर रहे हैं इसे मिक्स। तो सारे मिक्सचर को हम मिक्स कर रहे हैं, और हाथ में मैं देख रही हूँ कि ये इतना गर्म है कि मैं इसे सहन कर सकूं। तो बस मैंने बाकी की तगार भी डाल ली है, क्योंकि मैंने टेस्ट किया था ना तो मुझे थोड़ा सा कम लगा था। तो अब इनफ है इतना, यानी कि 200 ग्राम जो चीनी है वो काफी है 250 ग्राम के लिए। थोड़ा बहुत आप बचा भी सकते हैं उस चीनी को, यानी तगार को। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, तगार आप बचा करके रख लीजिएगा अगर आपको ज्यादा मीठा लगे तो। अब मैंने यहाँ पर बेसन को किनारे से उठा करके हाथ में ले लिया है, और मैं देने लगी हूँ लड्डू की शेप, क्योंकि बीच में से बेसन थोड़ा ज्यादा गर्म है ना इसलिए। और जैसे ही ये टाइट हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से बाइंड हो जाएगा, तो हम इन्हें हाथ में अच्छे से घुमा लेंगे। हाथ में घुमाने का पर्पज ये होता है कि ये अच्छे से तेल छोड़ दे, या हमने घी में बनाए तो घी छोड़ दे। और जब ये तेल और घी छोड़ते हैं बाहर, तो इसका मतलब ये है कि अच्छे से बाइंड हो गए हैं। और अब मैंने इसे अच्छे से बाइंड कर लिया है, और मैं घुमा रही हूँ अपने हाथ में, तो आप देखिएगा कि ये जो लड्डू है ये घी छोड़ना शुरू कर देगा। अब आप देख सकते हैं कि लड्डू ने यहाँ पर घी छोड़ना शुरू कर दिया है, देखिए बाहर से घी शाइन कर रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। तब तक आपको इसको हिलाना है, और अब हम यहाँ पर जो ये खुला बेसन है इसमें इसे अच्छे से मल रहे हैं, ताकि जो ये भी बाहर घी आया है ना ये इसे एब्जॉर्ब कर ले। देखिए लग रहा ना बहुत ज्यादा सुंदर और टेस्टी। कोई कह सकता भला इसे कि ये घर में बनाया हुआ लड्डू है? बिल्कुल मार्केट में बनाया हुआ जैसा लड्डू लग रहा है ये। और बस इसी तरीके से एक एक करके हम सारे के सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। पहले हम हाथ में अच्छे से कर लेंगे इन्हें बाइंड, और फिर हाथों में घुमा लेंगे, और जैसे ही ये घी छोड़ने शुरू कर देंगे तो हम इन्हें बेसन में अच्छे से लपेट लेंगे, जो सूखा बेसन नीचे रखा है उसमें, ताकि ये एक्स्ट्रा जो घी है उसको एब्जॉर्ब कर ले। देखा ना कितना आसान है इन्हें बनाना। बस हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम बेसन को भून रहे होते हैं तो घी की क्वांटिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होगा तो चलेगा, क्योंकि बाद में हम उसे गर्म करके ऊपर से ऐड कर सकते हैं। और दूसरी बात कि फ्लेम लो ही होनी चाहिए, लो फ्लेम में पेशेंस के साथ हमें इस बेसन को तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से एक भुनी हुई रोस्टेड चने की खुशबू नहीं आ जाती। और अब हमने यहाँ पर तैयार करके रख लिया है अपने सारे लड्डुओं को, और मेरे बच्चों ने तो 3-4 लड्डू खा भी लिए इस बीच। तो देखिए लग रहे ना बहुत ज्यादा टेस्टी। तो चलिए इसमें से मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए लग रहा है ना आपको भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट और टेस्टी, और ना ही हमने किसी तरह का यहाँ पर कलर मिलाया और ना ही हल्दी, लेकिन फिर भी कितना अच्छा लग रहा है ना। बस हमने यहाँ पर तगार बना करके तैयार किए। अगर आप तगार ना बनाना चाहे, यानी अगर आप भूरा ना बनाना चाहे, तो आप मार्केट से खरीद कर भी ला सकते हैं। तो चलिए अगर आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप भी इसे प्लीज जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आज का ये मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर मेरे इस चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।